नमस्कार, यूपी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बरेली में देवर ने विधवा भाभी को फावड़े के बेट से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मृतक महिला के पति की पिछले साल होली में मौत हुई थी। पति की मौत के बाद मृतक धर्मवती आरोपी मोहनलाल के साथ रहने लगी। मृतक महिला ने देवर से सारी जायदाद अपने नाम करा ली। मृतक धर्मवती खेत में लगे पेड़ों को बेचना चाहती थी, जबकि उसके पेड़ बेचना नहीं चाहता था। बीती रात इसी कारण दोनों में बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई और इस मामले को अंजाम दिया गया। बेटा क्या हुआ? बेटा हमारी मम्मी सो रही थी रात में जी। हमारे चाचा ने डंडे लेके मारने लगे थे हमारी मम्मी को। अच्छा, जो तुम्हारे चाचा ने मारा है? हमारी मम्मी को गले दबा के और खून निकाल रहे थे। ये कब की बात है बेटा? कल शाम की। कल शाम की बात है। पापा है बेटा? पापा खत्म हो गए। पापा को खत्म हुए कितने साल हो गए? अरे भाई साल बन रहा है बाबू, हर बार देना हर साल। चाचा का क्या नाम है बेटा? मोहनलाल। मोहनलाल। अच्छा अच्छा। मम्मी का क्या नाम बेटा? धर्मवती। यूपी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।